हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेस मॉमी। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं न्यूट्री नगेट पनीर का पुलाव कैसे बनाऊंगी, तो डिफरेंट स्टाइल में बनता है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें जो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं पहले हम उनको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी के करीब चावल लिया है, जिसे एक दो बार पानी से वॉश करके हम इसे पानी में डिप करके 1/2 आवर के लिए रख देंगे सोख होने के लिए। इसके बाद हम साथ में लेंगे सोया चंक्स, न्यूट्री नगेट, तो एक बोल में हमने ले लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, आपको जितने, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ले सकते हैं आप। हम इसमें पानी डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। बीच में हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ऊपर जो सोया चंक्स हैं वो भी पानी में नीचे आके अच्छे से डिप होके अच्छे से फूल जाएँ पानी लेके, और इनका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पनीर ले लिया है, पनीर को भी छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपको जैसा भी पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग पनीर और सोया चंक्स की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब आता है सबसे मेन स्टेप जो पुलाव के फ्लेवर को और इन्हेंस कर देगा, तो इसके लिए हम करेंगे मैरिनेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, बोल में हमने लिया है दही, और दही में हम मिलाएंगे अब स्पाइसेस सारे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ डाला है जीरा पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला, और इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो सीड्स। इन सब की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये ऑरिगेनो सीड्स डाल दिया, इसके बाद हम डालेंगे हर्ब्स 1 चम्मच के करीब, तो ये हमने हर्ब्स भी ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब बिरयानी पाउडर। अगर आपको लगता है तो आप इसमें चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं ऐड किया है। तो ये बिरयानी पाउडर डाल दिया हमने, और अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट हो सकता है, आपको जितना सॉल्ट पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। इसे हम मिला लेंगे, अब हमारे पुलाव में एक बहुत ही अच्छा सा कलर आए उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हमने डाल दिया इसमें जो हमने पनीर बना के छोटे पीसेस में कट करके रखा था क्यूब्स, पनीर क्यूब्स हमने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए, और ये जो सोया चंक्स हमने लिए थे उसको हमें इस तरीके से स्क्वीज़ करना है ताकि पूरा पानी निकल जाए, और हमें इसमें डाल देंगे हम। बहुत ही अच्छे से स्क्वीज़ करेगा, पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये मेरी भाभी की रेसिपी है, बहुत ही यम्मी बनती है, और इस रेसिपी से मेरे मेन्यू में एक और अच्छी सी एक डिश ऐड हो गई, बहुत ही क्विक बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है, सोया चंक्स को भी इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको भी अच्छे से इस तरीके से हिला लेंगे ताकि एक बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और अब हम इसे 1/2 आवर के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर भी अच्छे से मसाला चला जाए पूरा। और अब हम आगे का स्टेप करते हैं। तो आगे के स्टेप के लिए हमने लिए कुछ खड़े मसाले, जीरा लिया है हमने, साथ में लिया हमने बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, इलायची, छोटी इलायची, और दालचीनी, ब्लैक पेपर लिया है, और एक दो हमने लिया लौंग। इसके साथ हम एक बड़ा प्याज ले रहे हैं जिसे हमने लंबा लंबा काटा है। तो कुकर में अब हम तेल डाल देंगे, तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तो यह हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, तेल जैसे ही गर्म होगा तो जो खड़े मसाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो हमने सारे डाल दिए हैं खड़े मसाले। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं खड़े मसाले तो जब पुलाव बन जाए आप तब साइड में निकाल दीजिएगा, लेकिन इसमें डालिएगा ज़रूर क्योंकि इनका भी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं प्याज, और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। जब प्याज अपने कलर चेंज कर ले हमें तब तक भूनना है। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, और अब हमने जो मैरिनेशन किया था उसको हम इसमें अब देख सकते हैं। हम ये पनीर और
सोया चंक्स को इसमें ऐड करते जाएंगे। और इस बोल में जो आप देख सकते हैं साइड में थोड़ा सा ये लगा रह गया है, उसको भी हम आगे यूज़ कर लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। 2-3 मिनट मिलाने के बाद हम इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिल गया है। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो लीजिए, अब हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। और इसमें डालने के लिए जो हम पानी यूज़ करेंगे उसको हम उसी बोल में लेंगे जिसमें हमने मैरिनेशन का प्रोसेस किया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है वो वेस्ट ना हो। पहले हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे और इसमें अब हम डाल देंगे पानी। और साइड से हम पूरा इसमें ले लेंगे जो हमने मैरिनेशन का पेस्ट रेडी किया था। तो ये पेस्ट इसमें आ गया है पानी में। और अब हम इस पानी को डाल देंगे इसमें कुकर में जो हमने पुलाव बना रहे हैं उसमें। तो हमने ये डाल दिया, इसको अगेन एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर देंगे। तो ये हमने सॉल्ट डाल दिया क्योंकि हमने मैरिनेशन के स्टेप पे सॉल्ट डाला था। और अब हमने इसमें थोड़ा सा बिरयानी पाउडर और डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाली है। और अब हम इन सबको भी मिला लेंगे। तो लीजिए, बस सब कुछ रेडी है। अब हमने लगाया लिड और अब हम इसमें विसल आने देंगे। तो इसमें कुकर में विसल आ गई हैं, 2 से 3 विसल आने देंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए, ये बनके रेडी है हमारा गर्मा गर्म पुलाव। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, अकेले सादा, या अपने आप में इतना कंप्लीट और यमी होता है। इसकी गार्निश करेंगे कुछ इस तरीके से। हमने लगा दिए हैं काजू के छोटे छोटे पीसेस, और आप थोड़ा सा हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाली है, और थोड़ा सा धनिया पत्ती। आप जैसे चाहें वैसे आप सर्व कर सकते हैं। इसे आप रायते के साथ भी खा सकते हैं, या अचार के साथ, या पापड़ के साथ। आपको जैसा अच्छा लगे आप खा सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।